सिंध के बच्चों को इंसाफ दो, जीबी के बच्चों को इंसाफ दो, कश्मीर के बच्चों को इंसाफ दो, हमारे बच्चों को इंसाफ दो, हमारी कौम के बच्चों को इंसाफ दो, हमारी नेशन के बच्चों को इंसाफ दो, हम सब के बच्चों को इंसाफ दो। हम क्या चाहते पुलिस रिफॉर्म, हम क्या चाहते पुलिस रिफॉर्म, हम क्या चाहते पुलिस रिफॉर्म, रिजवाना को इंसाफ दो, रिजवाना को इंसाफ दो, रिजवाना को इंसाफ दो। ये जुल्म के जाबते हम नहीं मानते, ये जुल्म के जाबते हम नहीं मानते, ये जुल्म के जाबते हम नहीं मानते, ये जुल्म के जाबते हम नहीं मानते। रिजवाना को इंसाफ दो, रिजवाना को। एहतजाज करने के लिए कि जो एक रिजवाना 14 साल की बच्ची जज साहब के घर पे उनके साथ तशद्दुद हुआ, इस कदर तशद्दुद हुआ कि उनकी दोनों टांगों में, दोनों बाजू में फ्रैक्चर है, उनके सर पे इतने गहरे जख्म हैं कि उसमें कीड़े पड़ चुके हुए हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनका लिवर डैमेज है और उनके बॉडी के कुछ पार्ट इवन के ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो रही है। हम इसको बिल्कुल कंडेम करते हैं कि उन्होंने सबसे पहले 16 साल से कम उम्र बच्ची को घर पे मुलाजमा के तौर पे क्यों रखा और उनकी बीवी ने उसके ऊपर इस कदर टॉर्चर क्यों किया। हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं और उसके साथ साथ ही FIR जो इतनी बोगस किस्म की FIR दर्ज की गई है, हम उसको भी कंडेम करते हैं। पुलिस रिफॉर्म की हम लोग जो है डिमांड करते हैं। FIR में तशद्दुद की दफात को नहीं डाला गया, जब हड्डी टूट गई है उससे रिलेटेड कोई दफात नहीं ऐड की गई, उसमें इंटरनेट ट्रैफिकिंग शामिल है, इस तरह की बॉन्डेड लेबर के ऊपर कोई दफात शामिल नहीं गई। तो सख्त से सख्त FIR में दफात शामिल होनी चाहिए और उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। अब आपने अपना काम करवाना है और अब इसका आहिस्ता बोलना कितना आहिस्ता, इतना जैसे मैं बात और बोलना उनकी आवाज़ और बोलना इससे कम है, सिर्फ यह मसला और आपका मुद्दा। दोबारा तारुफ भी करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं विश्कैरी मेरा नाम है और चाइल्ड राइट्स मूवमेंट की नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। आज यहाँ पे तमाम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा हुई हैं और यही मुतालबा करने के लिए इकट्ठा हुई हैं कि जो रिजवाना के नाम से एक बच्ची है, 14 साल बच्ची, उसके साथ टॉर्चर हुआ एक जज साहब के घर पे, उसके लिए हमारा यही मुतालबा है कि एक जो FIR है उसमें तशद्दुद की दफात को शामिल किया जाना चाहिए, जैसे कि उस बच्ची के बाजुओं में और टांगों पे भी फ्रैक्चर है, सर में जो है जिस तरह से वो चोट लगी है उसमें कीड़े पड़ गए हैं, तो इस तरह से तशद्दुद से जितने भी मुताबिक उसमें रिलेटेड दफात हैं वो उसकी FIR में शामिल नहीं है। इस तरह की दफात को उसमें शामिल किया जाए और उस बच्ची को इंसाफ दिया जाए। शुक्रिया।